आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची कुलाधिपति ने चंदन, प्रोफेसर ए के सिंह ने बादाम और कुलपति ने लगाया गंधराज का पौधा, दिया स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। 22 नवंबर को महिला की हत्या के आरोप में बड़हलगंज पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त एक देसी तमंचा, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल किया बरामद, एसएसपी ने किया खुलासा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंची महामहिम कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल को एनसीसी कैडेट्स ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, कुलाधिपति ने किया परेड का निरीक्षण। धूमधाम से संपन्न हुआ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 40वां दीक्षांत समारोह। एक बार फिर छात्राओं ने लहराया परचम, 45 मेधावियों को गोल्ड मेडल पहनाकर महामहिम ने किया सम्मानित। कहा, यूपी की मिट्टी में ऐसा क्या है कि बेटियां बढ़ रही हैं आगे, होना चाहिए शोध। पीपीगंज थाना क्षेत्र में महिला को जहर देकर मारने का मामला आया सामने, एसएसपी ने कहा, परिजनों के तहरीर पर मुकदमा किया गया है पंजीकृत। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई है 3 टीमें, जल्द होगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह सकुशल हुआ संपन्न। 35 मेधावियों को कुलाधिपति राज्यपाल ने गोल्ड मेडल से नवाजा। कहा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का काम करें मेधावी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई खिचड़ी मेले की तैयारी बैठक, सभी तैयारियों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। कहा, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का रखा जाए ध्यान, नहीं होने पाए कोई दिक्कत। बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजपा के क्षेत्रीय चुनाव प्रबंधन कार्यालय का सांसद हरीश द्विवेदी व क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने फीता काट कर किया शुभारंभ। कहा, जन विश्वास यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाएगी केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता के अमर शहीदों की याद में बुधवार को सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय तुर्कमानपुर से निकाली गई तिरंगा यात्रा व प्रभात फेरी, अमर शहीदों को किया गया याद। 18 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित होगा कायस्थ महासम्मेलन, चित्रगुप्त मंदिर के अध्यक्ष और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष ने दी जानकारी। बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 314 केंद्रों पर कुल 21,886 लोगों को लगाया गया कोरोना रोधी टीका। पहली डोज लेने वालों में 7,252 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 14,634 लोग रहे शामिल। और गोल्ड मेडल पाते ही खिले मेधावियों के चेहरे, किसी ने सिविल सर्विस तो किसी ने प्रोफेसर तो किसी ने राजनीति में जाने की दिखाई रुचि। कहा, मेहनत और परिश्रम से जरूर मिलती है सफलता।